बुलंदशहर जिले के खुर्जा में सोमवार को एक फर्जी युवक आईएएस बनकर लोगों पर रोब झाड़ रहा था। कालीचरण नाम का यह युवक खुर्जा तहसील में किसी जमीन के मसले का निपटारा करने पहुंचा था। तहसील में कर्मचारियों को अपना आईएएस होने का परिचय दिया। इसी बीच शक होने पर एसडीएम ने जब उससे पूछताछ शुरू की तो वह हड़बड़ा गया और पकड़ा गया। खुर्जा एसडीएम ने बताया कि फोन पर बात करने के दौरान ही युवक की बातचीत से शक हुआ। युवक को ऑफिस में बुलाया गया लेकिन वह नहीं आया। इसके बाद एसडीएम ने परिचय पूछा तो उसने एसडीएम हरिद्वार के रूप में परिचय दिया और कहा कि वह 2017-18 उत्तराखंड कैडर से आईएएस अधिकारी है। एसडीएम ने जब उससे आई कार्ड मांगा तो फर्जी आईएएस अचानक सकपका गया। एसडीएम ने उसके बेजमेंट के नाम भी पूछे। बाद में अन्य सवालों के जवाब भी वह नहीं बता सका। इस पर एसडीएम को पूरा शक हो गया और पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने आईएएस को हिरासत में ले लिया है। कोतवाली में जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो फर्जी आईएएस की एक के बाद एक पोल खुलती चली गई। कालीचरण से पूछताछ और जांच के बाद एक फर्जी आई कार्ड भी बरामद हुआ। आरोपी ने बताया कि वह महोबा का रहने वाला है और वर्तमान में गाजियाबाद के विजयनगर क्षेत्र में प्रताप विहार में रहता है। आज अपने रिश्ते के चाचा के साथ एक एसीसी एसटी के नाम की जमीन की आपत्ति पर दबाव बनाकर ट्रांसफर कराने के लिए आया था। इसी दौरान उसकी पोल खुल गई। बुलंदशहर से संवाददाता राशिद खान की रिपोर्ट। बाइक ना करता था, छोड़ दे बाद में कर लेंगे। कालीचरण जी, आप आईएएस बने? सर देखिए, अभी प्रेजेंट टाइम पोस्टेड नहीं। ये बताइए, आप मैम के पास गए थे यहाँ ले आईएएस, उनको आपने आईएएस बताया कि मैं आईएएस हूँ? मैंने कार्ड भी आपका बना हुआ है कि आपने ये बताया कि मैं एडीएम के पद पे तैनात रहा हूँ हरिद्वार, जबकि आप बने ही नहीं आईएएस। नहीं सर, मैंने मैम से जो मेरी बात हुई वो चाचा जी के लिए जमीनी जो आपने पर्चे एडीएम के नाम से उन्होंने मैंने उनको ये बताया तो मैम मेरा अपियर्ड है। मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं अभी प्रेजेंट टाइम पोस्टेड नहीं आई हूँ। आपका जो कार्ड है वो फर्जी तरीके से दिखाई दे रहा है। कार्ड सर देखिए, वो ऐसा है उसमें कार्ड मेरा मतलब वो वहीं से ही था, तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं कहाँ से कहाँ से था वो कार्ड? वो स्कैन करके जहाँ सेंटर से बनता है एडीएम का सीधा। एडीएम की पोस्ट पर कितने दिन नौकरी करी, कहाँ करी आपने? सर इसमें एक ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग होती है बेस पर जो है। नहीं तो कहाँ पोस्ट रहे आप एडीएम के पोस्ट पर? हरिद्वार जो है बताया था। नहीं जब आप यहाँ किस काम से आए थे? बोले यहाँ पर चाचा जी के साथ में आया था। किस काम से आए थे? तो चाचा जी के साथ जमीनी मैटर से मैं आया। सर एक खुर्जा नगर में फर्जी आईएएस पकड़ा गया है, सर क्या पूरा मामला है, कहाँ से ये पकड़ा गया? आज जो है कालीचरण वर्मा सनौ सुंदरलाल वर्मा महुआ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। हाल पता इसका जो है प्रताप विहार कॉलोनी गाजियाबाद में रहता है ये। और ये आज एक व्यक्ति महेश सनौ विजयपाल जो एससी की ज़मीन थी उसको बिकवाने के लिए परमिशन हेतु ये तहसील पे आया था, जहां लोगों को शक हुआ और मुखबिर द्वारा हम लोगों को सूचना दी गई कि कोई फर्जी अफसर टाइप का लग रहा है जो लोगों से इधर उधर के काम की बात कर रहा है। पुलिस गई वहाँ पर, मौके से उसको पकड़ के लाई, जिसके कब्जे से जो है एक फर्जी आई कार्ड मिला जो जिस पर एडीएम उसकी डेजिग्नेशन लिखी हुई है, और इस समझूत धाराओं में मुकदमा कायम करके इनको जेल भेजा। सर क्या बताया था अभी उन्होंने पूछताछ में कुछ बताया? सर ये सब बताया जा रहा है कि एडीएम हरिद्वार में ये तैनात रहे थे, ये भी बताया कि? हाँ इन्होंने ये बताया, इनसे पूछताछ में पूछा गया तो इन्होंने बताया कि मैं एडीएम हरिद्वार हूँ और मैं जो है 17-18 बैच का आईएएस अफसर हूँ। इस तरह से इन्होंने बताया, आई कार्ड देखा गया तो वो क्लोन करके फर्जी आई कार्ड है ये, इस तरह का इन्होंने बना के लोगों को बेवकूफ बनाते थे। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन। World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।